चलिए ठीक है एके मिश्रा जी, लेकिन जिस तरह से इस वक्त दो पक्षों में बीजेपी और टीएमसी के बीच ही हम जंग देख रहे हैं, क्या कोई तीसरा मोर्चा भी है जो इसमें अहम भूमिका निभा पाएगा? देखिए, तीसरा मोर्चा की अभी तक तो सूचना नहीं आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है, उसके बाद भारतीय राजनीति भी बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है। पूरे 28 राज्यों में बहुत सारी पार्टियां हैं, हो सकता है यूपी से बसपा सपा ऐलान कर दे। उससे भी बड़ी चीज, अपने एक दिल्ली के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, वो किस डाल से कूद के कब कहां पहुंच जाए इसकी कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती है। हो सकता है आज आपको लग रहा है कि वो देखिए दिल्ली में बैठे थे, यूपी पहुंच गए। अब यूपी से ओवरनाइट जर्नी होती है, पता चला ट्रेन पकड़ के सुबह पहुंच गए और वो बोलने लगे कि दादा भालो अच्छे मैं आ गया। तो देखिए, ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल पॉलिटिक्स है। ओवैसी जी को आप देखिए, जो अभी बोल रहे हैं मैं यूपी में आऊंगा, उससे पहले मुझे लग रहा है कहीं वो अपनी गाड़ी का रुख जो है कलकत्ता की तरफ ना कर दे। और अगर उन्होंने कलकत्ता की तरफ अपना रुख कर दिया तो इसमें मैं कभी बाद में चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक इलेक्शन हो जाएगा। बंगाल के बंगाल का पॉलिटिकल सेंटीमेंट आजादी के टाइम से बड़ा स्पेसिफिक रहा है। एके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, बहुत बहुत स्वागत एके मिश्रा जी। राय साहब ने एक चीज और बोला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह को आप पूछते हैं बात अच्छी है, अगर उस व्यक्तित्व की आप पूजा करते हैं तो उनके सिद्धांतों की भी पूजा करें। पद्म भूषण पद्म विभूषण तो रतन टाटा भी गए थे, वहां पे गए थे, आपकी पार्टी ने क्या व्यवहार किया था ये दुनिया जानती है। चलिए एक मिश्रा जी, यही सवाल आपसे कि बीजेपी का जो कुनवा बढ़ रहा है, कितनी मजबूती आने वाले चुनावों में बंगाल के चुनावों में बीजेपी को मिलेगी इससे, या कोई फर्क पड़ेगा भी या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बंगाल के चुनाव को या राजनीति को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आजादी के समय से लेके अब तक अकेले बंगाल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और रही बात किसी के इस तरफ से उस तरफ आने जाने की, स्पेशली शुभेंदु जैसा क्षेत्रीय राजनीति में प्रखर विद्वान और अगर कोई राजनीतिक विभूति आ रही है तो ये दोनों ही पार्टियों, बीजेपी के लिए गेन है, लेकिन ममता दीदी को ये समझना चाहिए कि उनसे क्या चूक हो गई कि ऐन वक्त पे उनके जो दिग्गज हैं, जो पिलर है उनकी पार्टी के, उनको छोड़ के चले जाते हैं। अगर उनके चारों पिलर इस तरीके से ढह गए तो महल कैसे टिका रहेगा, आप मुझे बताइए ना। दीदी के सपनों का महल चुनाव में कैसे रहेगा जब उनके खंभे उनकी नींव उनके साथ नहीं रहेंगे। आत्ममंथन करने का ये वक्त है, और जितनी जल्दी जो है तृणमूल कांग्रेस इस चीज पे आत्ममंथन कर लेगी, शायद वो आगे आने वाले नुकसान को बचा पाएगी। चलिए बिल्कुल नीरज राय जी की, ठीक है एके मिश्रा जी, जिस तरह से प्रशांत किशोर का टीएमसी के अंदर विरोध हुआ, खुलकर नेता मंच पर बोलने लगे, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ पोस्ट डालने लगे, और अभिषेक बनर्जी का जिस तरह से जो कद है पार्टी के अंदर, नेता उनके राजनीतिक कार्यकर्ता बोल नहीं पाते हैं, एक फैक्टर ये भी निकल कर सामने आ रहा है, और एक प्रशांत किशोर का विरोध ये भी सामने आ रहा है, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी की शिकार होती जा रही है टीएमसी, और जिसका फायदा बीजेपी बंगाल में पूरी तरह से उठाने के लिए तैयार हो चुकी है? जब उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, आप कंसल्टेंट को हायर करिए, आपके पास पैसे हैं, सब कुछ है, आपको कमियां लग रही हैं, तो आपके यहाँ रणनीतिकार नहीं है, वो नेता फेल हो गए। अच्छा, जो रणनीतिकार अच्छे नेता रहे होंगे टीएमसी में, वही विरोध कर रहे हैं वहां पे, तो इसका मतलब है कि अंदरूनी कुछ ना कुछ है। फिर भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि बिहार की राजनीति में जिस तरीके से, सॉरी बंगाल की राजनीति में जिस तरीके से बीजेपी ने प्रवेश किया, आप पिछले चुनाव को देखिए और धीरे धीरे इनकी प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, तो अब शायद वो माहौल ममता बनर्जी के लिए भी, दीदी के लिए नहीं रहेगा कि एक छत्र, क्योंकि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी तो वहां पे लगभग साफ ही हो गए हैं, कोई है नहीं, तो आमने सामने का जो भी तो आ गए फ्रंटल, हाँ नहीं देखिए, जो फ्रंटल जो टक्कर होगी आमने सामने की, वो बीजेपी से ही होगी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर ये बहुकोणीय मुकाबला होता तो ममता दीदी बहुत आसानी से जीत जाती, मैं बोल देता कि भाई उनकी सरकार आएगी, लेकिन जिस हिसाब से पीछे की परफॉर्मेंस है वो बताता है कि बीजेपी बहुत माइक्रो लेवल पे मैनेज करती है। ममता दीदी को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और राय साहब ने एक चीज और बोला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह को आप पूछते हैं बात अच्छी है, अगर उस व्यक्तित्व की आप पूजा करते हैं तो उनके सिद्धांतों की भी पूजा करें। पद्म भूषण पद्म विभूषण तो रतन टाटा भी गए थे, वहां पे गए थे, आपकी पार्टी ने क्या व्यवहार किया था ये दुनिया जानती है।
बंगाल कभी एक इकोनॉमिक हब होता था, ग्लोबल इकोनॉमिक हब होता था कलकत्ता, अगर मैं इतिहास में जाऊं। और पिछले 70 सालों में राजनीतिक पार्टियों ने बंगाल को ऐसे ऐसे कर दिया, बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद से बंगाल लगातार गिरता चला गया। ममता दीदी आई थी, लोगों ने सोचा था बंगाल उठेगा, लेकिन ममता दीदी भी कहीं ना कहीं उन आशाओं को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं है। तभी तो बीजेपी ने पिछले चुनाव में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। 2014 से एके मिश्रा जी, 2014 से और अब तक 4 से 40% पर बीजेपी पहुंच गई वोटों की, अगर हम परसेंटेज की बात करें, क्या ये आंकड़ा आगे बढ़ेगा या थोड़ा बहुत बढ़ेगा, या फिर इस बार टीएमसी के लिए चुनाव एक चुनौती बन जाएगा? टीएमसी के लिए चुनाव अभी नहीं, पिछली बार भी चुनौती थी, देखिए तभी तो ये 40% पे पहुंचा। नॉर्मली 35-36% पे तो स्टेट लेवल के इलेक्शन में तो क्लियर कट सरकार आ जाती है, बिना किसी विरोध के एक तरीके से जो संख्या चाहिए होता है वो ले आते हैं। मैं बोलता हूं अगर इसी की पुनरावृत्ति हो गई, हालांकि स्टेट लेवल के इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन में बहुत फर्क होता है, चुनौती बीजेपी के लिए भी कम नहीं है। जो आक्रमणकारी पार्टी होती है उसके लिए चुनौतियां ज्यादा होती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि चूंकि बीजेपी के विंग्स और इनके इतने ज्यादा ये लोग मजबूत हैं ऑल ओवर इंडिया में जी, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए ये सक्षम है। कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि टीएमसी डिफेंडिंग है और टीएमसी के अंदर ये चर्चाएं चल रही हैं, मीडिया जगत में, पूरे देश दुनिया में ये चर्चाएं चल रही हैं कि टीएमसी जीतेगी कैसे, इसकी बात नहीं हो रही है, बात इस चीज की हो रही है क्या टीएमसी बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी अपने आप को। ये देखिए सिक्का यहीं पे पलट गया है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है जो टीएमसी के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सोचना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बात करते करते बातों बातों में ही इनके नीचे से कुर्सी कब खिसक गई पता नहीं चला। और यहाँ पे बंगाल पे एक मिश्रा जी अच्छा वो बता रहे थे, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ ये हुआ कि जो राजनेताओं को बोलना चाहिए वो एक पत्रकार होकर बोल रहे हैं। देखिए उस पर मैं प्रकाश डालूंगा कम से समय में। देखिए जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी 18 सीट लाई थी 19 के इलेक्शन में, लेकिन उससे भी बड़ा कटु सत्य यह भी है कि वोट परसेंटेज हमारा 1.5 से 2% कम हुआ। भाजपा का बहुत तेज बढ़ा, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस उस समय इनको वॉकओवर दे दी थी। और एके मिश्रा जी आप इससे ज्यादा सहमत होंगे कि 18 में से 12 से 13 ऐसी सीटें रही जहां पर कि 1.5 हजार, 2 हजार से लेकर 3-3.5 हजार तक का हुआ जीत, विजय हुआ। लेकिन यह देखना है कि क्या कांग्रेस और लेफ्ट इस बार भी वॉकओवर दे रही है। चलिए ठीक है, एके मिश्रा जी तमाम चेहरों की बात हो गई, अब बीजेपी कह रही है हमारा एक कार्यकर्ता ही काफी है, जबकि नीरज जी कह रहे हैं कि मोदी जी का ही चेहरा क्यों, आप अपने नाम पर वोट मांग लीजिए। पार्टियों के पास जो सबसे मजबूत चीजें होती हैं वो अपने हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र को प्रयोग करते हैं, कोई उसमें लिमिटेशंस नहीं लगा सकता है और कोई रोक भी नहीं सकता है। ये एप्लीकेबल है ग्राम प्रधान के पंचायत से लेकर पंत प्रधान, देश के प्रधानमंत्री तक के चुनाव के लिए, ये रोक नहीं पाएंगे। दूसरों पे उंगली उठा सकता है ना मिश्रा जी? नहीं, वो आप दो, नहीं आप दोनों लोग वो समझते रहिए, अगर आपको लगता है तो आप दो, कि ममता दीदी, हाँ तो एक पक्षीय मत बोलिए ना आप। नहीं नहीं, मैं तो दोनों के लिए बोल रहा हूँ, बोलिए। हाँ, ममता दीदी का चेहरा प्रयोग करिए, उनके पास जितने चेहरे हैं वो प्रयोग करेंगे, 3-4 चेहरे तो इन्होंने उतार दिए हैं, अमित शाह जी भी गए हैं और विजय वर्गीय भी जी गए हैं, मोदी जी भी गए हुए हैं और मुकुल राय वगैरह जितने आपके तरफ, इवन आपके जो चेहरे थे उसका भी ये प्रयोग कर रहे हैं। आप ये देखिए जो रैलियां हो रही हैं, जो कभी आपका चेहरा होते थे वो आज इनका चेहरा है। मैं नीरज राय जी, देखिए मैं आपको यही बोल रहा था, चुनाव का रिजल्ट आ जाने के बाद कुछ नहीं होगा, अटैक आपके ऊपर हो रहा है ये आप मानते होंगे, मुझे बीजेपी और आपके पार्टी के जीत हार से कोई मतलब नहीं है। मैं बोलना ये चाहूंगा, आपने एक बड़ी कायदे की बात बोली और मैं उसको मान भी लेता हूँ, इंडोर्स कर लेता हूँ, कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने और वामपंथियों ने इनको वॉकओवर दे दिया। जो सबसे ज्यादा चिंता करने की बात है हम लोगों को, आपको सोचना चाहिए कि अब की बार वॉकओवर तो आपके पार्टी के दिग्गज नेता ही इनको दे रहे हैं, वो शामिल हो करके इनमें, इनके बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके पार्टी के ही लोग अगर वॉकओवर दे दे रहे हैं तो कांग्रेस और दूसरे पक्षों की तो बात बाद में आती है, खतरा हमेशा अंदर से होता है, जो खतरा आपके साथ है यहाँ पे आपको डिफेंड करना है। अगर आप डिफेंड कर लेते हैं अपने आप को तो वही आपकी बहुत बड़ी जीत होगी। आप इस पे सोचिए, रेदर देन उनसे उलझने की जगह आप अपने अंदर आप अपने आप को मजबूत बनाइए ताकि आप बचे तो रहिए। चलिए
ठीक है एके मिश्रा जी, लेकिन जिस तरह से इस वक्त दो पक्षों में बीजेपी और टीएमसी के बीच ही हम जंग देख रहे हैं, क्या कोई तीसरा मोर्चा भी है जो इसमें अहम भूमिका निभा पाएगा? देखिए तीसरा मोर्चा की अभी तक तो सूचना नहीं आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है, उसके बाद भारतीय राजनीति भी बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है। पूरे 28 राज्यों में बहुत सारी पार्टियां हैं, हो सकता है यूपी से बसपा सपा ऐलान कर दे, उससे भी बड़ी चीज अपने एक दिल्ली के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, वो किस डाल से कूद के कब कहां पहुंच जाए इसकी कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती है। हो सकता है आज आपको लग रहा है कि वो देखिए दिल्ली में बैठे थे यूपी पहुंच गए, अब यूपी से ओवरनाइट जर्नी होती है, पता चला ट्रेन पकड़ के सुबह पहुंच गए और वो बोलने लगे कि दादा भानो अच्छे मैं आ गया। तो देखिए ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल पॉलिटिक्स है। ओवैसी जी को आप देखिए जो अभी बोल रहे हैं मैं यूपी में आऊंगा, उससे पहले मुझे लग रहा है कहीं वो अपनी गाड़ी का रुख जो है कलकत्ता की तरफ ना कर दे, और अगर उन्होंने कलकत्ता की तरफ अपना रुख कर दिया तो इसमें मैं कभी बाद में चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक इलेक्शन हो जाएगा। बंगाल के बंगाल का पॉलिटिकल सेंटीमेंट आजादी के टाइम से बड़ा स्पेसिफिक रहा है। एक मिसाई रोकना चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता, फिर आगे भी इस पर मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन